नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं स्टफ़ पॉम्फ्रेट। और ये पॉम्फ्रेट में हमने प्रॉन स्टफ़ किए हैं, सो इसका रेसिपी हम देखते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पे मैंने मीडियम साइज़ का एक पॉम्फ्रेट लिया है, इसको मैंने कंप्लीट एक फूल रखा है और बीच में से ऐसे इसको स्लिट दिया है। आप जहाँ से फिश लेते हो वो आपको ये ऐसे स्लिट करके देते हैं। अभी हम डालेंगे कोकम आगर 1 टेबल स्पून। अगर आपके पास कोकम आगर नहीं है तो आप इसके बदले लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हो। जो हम घर पे लाल मिर्ची पाउडर यूज़ करते हैं वो हम डालेंगे। ये हमें 1.5 टेबल स्पून डालनी है। थोड़ा सा ही हमें डालना है हल्दी, स्वादानुसार नमक। यहाँ पे मैंने लिया है अदरक लहसुन और हरे धनिए का पेस्ट। आप अदरक लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हो। ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फिश को लगा के लेनी है दोनों भी साइड से। और हमें जो स्लिट है इसके अंदर से भी हमें इसको ऐसे मैरिनेट करके लेना है फिश को। अभी फ़िश को हम अच्छे से मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। अभी हम बना के ले रहे हैं प्रॉन्स का स्टफिंग। यहाँ पे मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रखा है। अभी इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून तेल। इसमें हम डालेंगे छोटा प्याज और सेम प्रोपोर्शन में हम डालेंगे टमाटर और 1/2 टीस्पून डालेंगे अदरक लहसुन और हरी धनिए का पेस्ट। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई करके लेना है। टोमेटो अच्छे से गलना चाहिए, तब तक इसको हमें अच्छे से फ्राई करना है। टमाटर जल्दी से गलने के लिए इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और इसको हम अच्छे से फ्राई करके लेंगे। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसके ऊपर ढक्कन रखना है। 2 से 3 मिनट हो गए हैं, अभी हम ढक्कन को निकाल देंगे। अभी इसमें हम डालेंगे सारे सूखे मसाले। 1 टीस्पून हमें डालना है घर का लाल मिर्ची का पाउडर। रेड चिली पाउडर डालेंगे हम 1 टीस्पून और थोड़ा सा हम डालेंगे 1/2 टीस्पून चिकन मसाला और 1/8 टीस्पून हम डालेंगे हल्दी। इसको अच्छे से हम 1 मिनट के लिए इसे फ्राई करके लेंगे। मसाले का कच्चापन जाने के लिए हम इसको 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे। अभी इसमें हम डालेंगे जो हमने प्रॉन्स लिए थे, इसको मैंने छोटे छोटे हिस्सों में कट किया है। यहाँ पे मैंने 1/2 किलो प्रॉन्स लिए हैं। ये देखिए, इसको मैंने छोटे छोटे पार्ट में कट करके लिया है। इसको अभी हम अच्छे से फ्राई करके लेंगे। 3 से 4 मिनट हमें इसको अच्छे से फ्राई करके लेना है। 3 से 4 मिनट हमें इसको मीडियम आंच पे अच्छे से फ्राई करके लेना है। नमक को हमें प्याज और टमाटर में भी डाला था तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ही डालना है। और हमने फिश को भी नमक लगाया हुआ है तो नमक हमें एकदम संभाल के डालना है। एकदम हमें थोड़ा सा ही नींबू का रस डालना है। ये देखिए, मैंने सिर्फ ऊपर वाला छोटा सा पार्ट लिया है। और इसमें हम डालेंगे 2 टेबल स्पून पानी और इसके ऊपर हम ढक्कन लगा के 4 से 5 मिनट अच्छे से इसको हम पकने देंगे स्लो गैस पे। प्रॉन्स अच्छे से पक गई है, ये देखिए। अभी इसका जो पानी है वो हमें अभी पूरा कंप्लीट सुखाना है। इसमें हम डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया। ये मिश्रण को हमें अच्छे से सुखा के लेना है। इसमें जो पानी का कंटेंट है पूरा निकलना चाहिए। ये देखिए, पानी कंप्लीट ड्राई हो गया है। अभी इसको हम ठंडा करेंगे। फिश के ऊपर का कोटिंग हम बना लेंगे। इसके लिए हमने लिया है 1 कप चावल का आटा, 2 टेबल स्पून हमें लेना है रवा, नमक हमें एकदम थोड़ा सा ही लेना है कोटिंग को टेस्ट आने के लिए, और 1/2 टीस्पून लेना है लाल मिर्ची का पाउडर। सारी चीज़ों को हम अच्छे से
मिक्स करके लेंगे। ये जो प्रॉन्स का मिक्सचर है ये हमारा ठंडा हो गया है, अभी इसको हम पापलेट में स्टफ़ करके लेंगे। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा दबा के हमें स्टफ़ करना है अच्छे से, एकदम ज़्यादा भी हमें फील नहीं करना है ऐसे। और हमें इसको कुछ भी धागा या कुछ भी लगाने का ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। ये देखिए, सिर्फ हमें स्टफ़ करते टाइम देखिए ऐसे थोड़ा सा प्रेस करना है और देखना है कि बाहर आ रहा है कि नहीं। ये देखिए, बस हमें इतना ही इसको स्टफ़ करना है। अभी जो हमने पापलेट के लिए कोटिंग बनाया था उसमें हम ये पापलेट को ऐसे रख देंगे और इसे थोड़ा थोड़ा प्रेस करेंगे और दोनों साइड से हम ऐसे कोटिंग लगा के लेंगे। अगर आपको ये कोटिंग नहीं लगाना है तो भी आप डायरेक्टली ऐसे पॉपलेट को फ्राई करोगे तो भी चलेगा। ये देखिए मैं कैसे प्रेस कर रही हूँ, अच्छे से इसको हमें मिश्रण को लगा के लेना है। पॉपलेट को अच्छे से कोटिंग हो गया है, अभी इसको हम फ्राई करने के लिए लेंगे। तेल हमें अच्छे से गर्म चाहिए, ये देखिए एकदम गर्म तेल में हमें पापलेट को डालना है, एकदम आराम से डालिएगा। तेल अच्छे से गर्म चाहिए, अगर आपका तेल गर्म नहीं रहेगा जो हम पापलेट को कोटिंग करते हैं वो पूरा तेल में छूट जाता है, इसके लिए हमें अच्छे से इसको गर्म तेल में ही डालना है। जो स्टफ़ वाला साइड है वो मैंने ऊपर की ओर रखा है और जो प्लेन वाला साइड है वो मैंने तेल में डाला है। अभी देखिए इसको हमें कैसे पलटना है, ऐसे दो चम्मच में लेके फिर हमें इसको ऐसे पलट के लेना है। ये देखिए मेरा मिश्रण किधर भी बाहर नहीं निकल रहा है। एक साइड को मैंने 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई किया था, दूसरे साइड को भी हम सेम 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करके लेंगे। पापलेट को मैं अच्छे से हिलाते हुए सभी साइड से फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए मेरा मिश्रण कहाँ से भी बाहर नहीं आ रहा है, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। स्टफ़ पॉम्फ्रेट फ्राई बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।